मोदी नहीं चाहता है, अमित शाह नहीं चाहते हैं, या और स्मृति ईरानी नहीं चाहती हैं, तीन थ्री टी हैं वहाँ, ये तीनों टी नहीं बिल्कुल चाहते। 44 सांसद कांग्रेस के हैं और 344 आपके हैं, और 344 कुछ नहीं कर पा रहा है, और हमको बता रहे हैं कि 44 अड़ंगा डाल रहा है, 44 अड़ंगा डाल रहा है, 44 अड़ंगा डालने से क्या मतलब? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया, 5 वर्ष बीत गया, शिलान्यास और कुछ नहीं हुआ, और 4.5 साल बीत गया हमारे पूज्य मोदी जी का, इन्होंने सिर्फ लोगों के भावना का दोहन किया। फैजाबाद आए, अयोध्या नहीं आए। अटल जी गोंडा आके रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके चले गए, अयोध्या के धराधाम पे नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अब अयोध्या कर दिया है। फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखने के बाद अब साधु संत इस फैसले को जो है वो किस तरह से देखते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अयोध्या के साधु संतों के बीच में। आप देखेंगे इधर जो है दीपावली की तैयारियां चल रही हैं, दियों में जो है दीपक में तेल डाल दिया गया है, मंदिर में मूर्तियां जो है वो बिल्कुल सजा दी गई हैं, और कुछ ही देर में जो है यहाँ पर दीपावली साधु संत जो है मनाएंगे, इन्हीं के बीच में हम भी दीपावली मनाएंगे। तो इन्हीं से बात करेंगे कि जो नाम बदली किया गया है, अब फैजाबाद जिले को जो है अयोध्या के नाम से जाना जाएगा, तो उनको इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, आप किस तरह से देख रहे हैं नाम बदल दिया गया है? आपको पहले तो ये बताइए कि आपकी जो उम्मीद थी मंदिर बनाने को लेकर के, कुछ खुशखबरी की शायद मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, तो किस निराशा हाथ लगी क्या आपको? दिल्ली में जब संत लोग अभी सम्मेलन कर रहे थे तो वहाँ इनका मैसेज पहुँचा कि आप लोग अयोध्या आइए, वहाँ खुशखबरी आपको सुनाई जाएगी। तो ये हम लोगों के पूर्णतया निराश हम लोग हैं, और ये भाजपा जो है निश्चित तौर से इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। अगर समस्या का समाधान कर देगी तो 19 वाले चुनाव उनका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। इस कारण एक मुद्दा को ये लोग प्रकार करके बैठे हैं। अयोध्या का फैजाबाग नाम अयोध्या रख दिया, अभी अयोध्या तो अयोध्या है, ये है पुरातन अयोध्या है, अयोध्या अपना पवन पवित्रम अयोध्या में है, तो फैजाबाद का नाम अयोध्या रखने से हमको क्या विकास होगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या का नाम रखने से, अयोध्या नाम रखने से पूरे विश्व भर में जो है इसकी कीर्ति फैलेगी, आप लोग क्यों नाराज है फिर? अयोध्या का नाम तो विश्व में कीर्ति अयोध्या खइए है, अयोध्या कीर्ति कहाँ घटी है? अयोध्या इन्होंने फैजाबाद को मिटा करके अयोध्या नाम रख दिया, अयोध्या का नाम तो था ही, कौन सी बड़ी बहादुरी कर दिया है? नाम बदलने कोई बहादुरी नहीं होती, काम करना चाहिए, राम का काम आवश्यक है, तो राम का नाम लेना तो आवश्यक है, लेकिन राम का काम करना उससे भी आवश्यक है। अगर राम का काम, आप राम के नाम पर लेकर के सत्ता में आ गए, बहुत महान हो गए, आप राम का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब तो आप कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अभी 2 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर कहेंगे हमारी मजबूरी है, फिर मजबूरी क्या आपकी मजबूरी है? आप जो है जम्मू कश्मीर में जा करके वहाँ पर फिदा हो गए, और वहाँ फिदा होने के बाद 3 साल तक उसके साथ रहे, और हमारे नौजवानों पर पत्थर मारने वालों को आपने 600 आतंकवादियों को आपने छोड़ दिया, उनकी सजा समाप्त कर दिया, और SC ST एक्ट को आप संशोधन करके नया कानून बना दिए, और 3 तलाक पर आपने कानून बना दिया, ये सब आपके लिए फुर्सत है, राम के लिए आप फुर्सत नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ महाराज से कहना चाहता हूँ कि आपसे बड़ी आशा थी, आप एक संत हैं, एक सन्यासी हैं, आप गेरुआ वस्त्र पहने हैं, अरे राम से बढ़कर के कोई चीज़ है क्या? राम, मैं तो उन परसों डिबेट में कहा था, मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, यदि आप राम जन्मभूमि का निर्णय कर दीजिए और न करना हो तो फिर छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री पद, और कहिए कि मैं मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहूंगा। संत को इतने दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए। हम अयोध्या क्या देख रहे हैं, ये जो इतनी देरी हो रही है राम मंदिर को लेकर के, वो क्यों हो रही है? आखिर क्या क्या केवल चुनावों के लिए जो है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, उसके लिए रोका जा रहा है? केवल चुनावी राजनीति है, केवल उनका राजनीति का मुद्दा है, और उनको राम से मतलब है न राम के काम से मतलब है। केवल विकास का नाम ले रहे हैं, क्या विकास करेंगे? 2 महीना में मेरे मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, 2 महीना में एयरपोर्ट खुल जाएगा, एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज नाम स्नातक इन्होंने ले लिया है कि ये कम से कम 5 साल में एक परियोजना पूरी होती है, तक इसी हालत में हम 5 साल में धीरे धीरे पूरा करेंगे ये परियोजना लिए हैं। और हमारा दशरथ, इनके नाम से दशरथ जी का नाम मिटेगा, इनके नाम से राम जी का नाम मिटेगा? मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में कहा था कि आप अयोध्या पहुंचिए, बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो क्या आपको बड़ी खुशखबरी के नाम पे इंतज़ार था कि हाँ मंदिर को लेकर के कोई घोषणा होगी? ये नाम के नाम बदलने का जो बात हुई, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि कोई लॉलीपॉप दे दिया गया है।
देखिए मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास और जिस उम्मीद से लोगों की भावनाओं का दोहन किया है उससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अयोध्या की ही नहीं संपूर्ण भारत राष्ट्र की सिर्फ एक पुकार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का। इन्होंने ये कहा था कि आप हमें ले आइए और हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। लोकसभा में इनकी बहुमत है, राज्यसभा में भी इनकी स्थिति ठीक ठाक है, जो अलायंस पार्टियां हैं सब सपोर्ट करने को तैयार हैं और यूपी में तो योगी जी का राज है ये है। आप यहां से आवाज़ उठा के अगर केंद्र तक पहुंचाते तो उनकी व्यवस्था हो जाती। आपके 72 सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, आप यहां से प्रस्ताव पारित करवाते और केंद्र के ऊपर दबाव देते कि हम जिसके नाम से जाने जाते हैं भाजपा का उगम राम मंदिर है, भाजपा आई ही राम मंदिर के नाते है। अगर अडवाणी जो है रथ यात्रा ना करते, राम लहर का नाम ना लेते और राम के नाम का दोहन ना करते तो आज केंद्र तक भाजपा नहीं आती। भाजपा का उगम ही राम मंदिर है। फिर भी राम मंदिर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया। 5 वर्ष बीत गया, शिलान्यास और कुछ नहीं हुआ। और 4.5 साल बीत गया हमारे पूज्य मोदी जी का, इन्होंने सिर्फ लोगों के भावना का दोहन किया। फैजाबाद आए, अयोध्या नहीं आए। अटल जी गोंडा आके रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके चले गए, अयोध्या के धराधाम पे नहीं आए। और योगी जी 4 बार आ गए, 5 बार आ गए तो अयोध्या को मिला क्या? अंडरग्राउंड केबल की बात हो तो वो तो सपा रिज्यूम की थी, आपने इंप्लीमेंट करवा दिया। आपने अयोध्या को क्या दिया? राम की पैड़ी अधूरी है, आधे में दीप जल रहा था, आधे में अंधेरा छाया था। तो क्या आपको ये लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो है राम मंदिर के नाम पर साधु संतों को जो छला है? बिल्कुल छला है। आज नहीं, बहुत पहले से छल रहा है। आज से नहीं, ईंटे पूजे हुए गांव-गांव में ईंटा पूजाया जा रहा था, हर चीज़ रहा है। कहीं कितने ईंटे यहाँ गंजे थे राम मंदिर के नाम पर और राम मंदिर माने कुछ नहीं। लेकिन वो तो खुद को अपने आप को जो है मोदी सरकार राम भक्तों की सरकार कहती है और कहती है कि हम सबसे ज़्यादा गंभीर हैं मंदिर बनाने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टियां नहीं आ रही, कांग्रेस नहीं आ रही साथ में। ये तो उनकी दिखावा है, कुछ नहीं है। न राम मंदिर के लिए वो हैं और न रामलला के लिए हैं। इतना दिन से हो गया रामलला जी उसमें टेंट में विराजमान रहे हैं, सरकार तीन साल या दो साल इनका हो गया, इनका भी 5वां साल उनका भी इतने जा रहा है। क्या किए अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। राम मंदिर उनको बनाना, लेकिन राम मंदिर की जब भी बात आती है बीजेपी ये कहती है कि हम तो तैयार हैं लेकिन कांग्रेस साथ नहीं देती। कांग्रेस से हमसे क्या लेना देना है? आपका बहुमत अभी तक आप कह रहे थे कि हमारा कहीं बहुमत नहीं है, हम क्या करें, दूसरी पार्टियां करने नहीं दे रही हैं। आज आपका बहुमत है, यूपी में भी है, केंद्र में भी है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आपको क्या चाहिए? जब आप गिर जाएंगे तब फिर बनाएंगे? उम्मीद तो यही है कि अब गिरना है उनको। अगर मंदिर नहीं बनाया तो 2019 में क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की? कुछ नहीं, सुन्न बटा सन्नाटा है। अगर मंदिर की घोषणा मोदी जी अभी से नहीं करेंगे तो 2019 की डगर यूपी से संभव नहीं है। 70 में से 27 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे? ये भी जानते हैं केंद्र की सरकार बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश ही है। जब तक उत्तर प्रदेश में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है। और ये छलावा कर रहे हैं, स्पष्ट कह दिए होते कि राम मंदिर का हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है तो हम लोग सोचते। अब ना तो वो संविधान बना पा रहे हैं कि कुछ बना के बनवा दें, ना तो समझौता करा पा रहे हैं। छोटी छोटी बात लीजिए, SC ST वाला एक्ट जब न्यायालय ने कहा था कि बिना तफ्तीश हुए न दर्ज किया जाए, तब तो इन्होंने कहा नहीं हम संविधान बना लेंगे। और आज मंदिर बनाने के लिए संविधान बनाने में क्या दिक्कत है? बनाना चाहिए और या तो फिर समझौते ना जाए। तो ये बिल्कुल कट जा रहे हैं मंदिर बनवाने के लिए। कोई भी उनसे पूछता है, चाहे मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से, तो बिल्कुल उसको बाइकाट कर देते हैं, जैसे उसका कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति है। आप सबसे बड़ी अड़चन क्या मानते हैं राम मंदिर को लेकर के? राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है, सबसे बड़ी अड़चन क्या देखते हैं? पर ये लोग राजनीति हैं, राजनीति वाले राम का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें सोच सकते हैं ना, ये धार्मिक होते हैं, इनका धर्म कोई होता है? राजनीति में कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि राम मंदिर जो है हम नहीं बनाएंगे तो क्या कांग्रेस बनाएगी राम मंदिर? अच्छा बताइए, कांग्रेस ताला किसने खोला? ताला किसने खोला? केंद्र में नरसिंहा राव की सरकार थी, यहाँ पे कल्याण सिंह की सरकार थी और ये ढांचा ढाया गया, मस्जिद ढाया गया। अगर केंद्र का नरसिंहा राव चाह लेता तो इनकी औकात थी ढांचा ढहाने का?
तो केंद्र जो जो मंदिर गिराया, ढांचा तोड़ा गया, उसमें भी नरसिंहा राव वहाँ बैठ कर के देख रहे थे, कह रहे थे जब टूट जाएगा तब कुछ दिखा जाएगा, जब टूट जाए देखा जाएगा। तो ढांचा गिराने में भी तो नरसिंहा कांग्रेस का योगदान था। ताला जब इसका खोला गया तो राजीव गांधी ने ताला खोला। तो राम का काम तो कांग्रेस वाले अब तक किए हैं, आप क्या काम किए हैं? आप क्यों लाछन लगाते हैं बताइए? 44 सांसद कांग्रेस के हैं और 344 आपके हैं, और 344 कुछ नहीं कर पा रहा है, और हमको बता रहे हो 44 अड़ंगा डाल रहा है, 44 अड़ंगा डाल रहा है। 44 अड़ंगा डालने से क्या मतलब है? 44 अड़ंगा कहाँ डाल रहा है? हमसे उसे कोई मतलब है नहीं है। आपका पार्लियामेंट में पूरा बहुमत है लोकसभा। अच्छा बताइए हमारा क्या लेना चाहते हैं? देश का राष्ट्रपति का नाम राम कोविंद, राम कोविंद हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, गणेश जी के नाम से हैं। देश की रक्षा मंत्री जो हैं वो सीतारमन्ना जी हैं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अयोध्या का विधायक वेद प्रकाश है। अब आप हम लोगों का जान लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? हमने तो आपको सब दे दिया ना, मोदी नहीं बनवाएंगे। अच्छा मोदी इंदौर में जाते हैं, मशीन चले जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं, और जब राम जी को चंदन लगाना हो तो जूता पहन के चंदन लगाते हैं। वारे धार्मिकता मोदी जी की, वारे धार्मिकता। एक चीज़ और बताइए, माहौल इस तरह का चल रहा है कि जो बीजेपी के पक्ष में बात नहीं करेगा या फिर ये कहेगा कि बीजेपी मंदिर बनाने को लेकर के गंभीर नहीं है तो उसको जो है देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं, आपको लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये बाबा जो है वो देशद्रोही है, देशभक्त नहीं है। मैं तो आज से लगातार बोल रहा हूँ, यही बात को बोल रहा हूँ। अगर राम के काम करने मुझको कोई देशद्रोही करार दे तो मुझे देशद्रोही होना स्वीकार है। हम संत हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे मोदी नहीं चाहता है, अमित शाह नहीं चाहते हैं, या और स्मृति ईरानी नहीं चाहती हैं। थ्री टी हैं वहाँ, ये तीनों टी नहीं बिल्कुल चाहते हैं। अगर वो थ्री टी में से कोई एक चाह लेगा तो बन जाएगा। ये जो थ्री टी हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और भगवान सद्बुद्धि दें। नहीं तो अब आज चले गए ना केदारनाथ दर्शन करने के लिए, ये भूमिका बना रहा है कि हारने के बाद हम केदारनाथ रहेंगे। कह रहा था हम झोला लेके चले जाएंगे, तो झोला चलने को भूमिका पहले से बन रही है, वहाँ बनवा रहा है कि जब हार जाएंगे तो केदारनाथ चले आएंगे, बद्री विशाल जाएंगे, वहीं जाके पूजा करेंगे। आपको क्या दिख रहा है 2019 में मोदी जी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे, कतई हार जाएंगे। अयोध्या के साधु संत महात्मा हैं, ठाकुर जी हमारे समक्ष हैं। मेरा सवाल ये है कि आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हार जाएगी और बीजेपी मंदिर नहीं बनाएगी, मोदी जी 2019 में हार जाएंगे, लेकिन तमाम जो टीवी चैनल हैं उनमें हम जितने भी बाबाओं को हम देखते हैं प्रवक्ता के रूप में, तो वो सब जो है बीजेपी की जो है पैरवी करते हैं। आप जो इतनी बेबाकी से बात कर रहे हैं और वो टीवी चैनल में हम देखते हैं, वो अलग अलग क्यों है? मेरी बात सुनिए, मैं किसी का कमाया नहीं खा रहा हूँ और मैं किसी का दिया हुआ खा रहा हूँ। मेरा नाम करपात्री है, पूरा अयोध्या हिंदुस्तान में एक पद है करपात्री का। केरला कर्नाटक का महाराष्ट्र जहाँ जाएंगे तहाँ आप मेरा नाम सुनेंगे, करपात्री। मैं मात्र 18 कौर खाता हूँ, 19 कौर भी नहीं खा पाता हूँ। ये संकल्प हमारा तब तक है जब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि नहीं बन पाएगी। मुझको दर्द है, मुझको दर्द है। ये लोग क्या दर्द जाने? शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद, ये राणा सुत की जेहन से पूछिए, भाई से भाई में क्या होता है प्यार, ये राम के लक्ष्मण से पूछिए, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर। ये तो भाषण देते, मैंने खूब भाषण सुनता। मोदी जी क्या कहते हैं? मेरे देश का इतिहास, मेरे देश की भूमिका स्वराक्षरों में लिखा गया है, अयोध्या स्वराक्षरों खाक्षरों लिखा गया है। स्वराक्षर तुम मंच में खद्दर पहन करके झूठ बोलते हो। देश की आजादी और राम जन्मभूमि के इतिहास स्वराक्षरों में है। राम जन्मभूमि के इतिहास मेरे बंधु स्वराक्षर नहीं है। राम जन्मभूमि के लिए हमारे देश के कारसेवकों ने खून बहाया है, खून गिरा है, लथपथ हुआ है, कितनी लाशें बहाई गई हैं। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्म हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, न आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। जेल मैं कुरान पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। ये सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन इन्ला मुहिब्बल महासनीन, कि हिंदू हो
चाहे मुसलमान हो, वो अल्लाह ताला परवरदिगार बंद जो प्यार करता है, दीनहीन को गले से लगाता है, मजहब से हट कर जो प्यार करता है, जो बंदों को गले से लगाता है, जो दीनहीन बच्चों को गोदी में लेके पढ़ता है, उसी को अल्लाह ताला प्यार देता है, उसी को राम प्यार देते हैं। तो अल्लाह ताला भी दीन बंधु हैं और हमारे राम भी दीन बंधु हैं। ये तो राजनीति वाले मजहब पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आपने कही 2019 में मोदी जी हार जाएंगे, तो क्या लगता है अगर 2019 में कांग्रेस आएगी तो वो मंदिर बनाने की बात करेगी या मंदिर बनाएगी? देखिए, न कांग्रेस करेगी और न भाजपा करेगी, ये लोग मोहित हैं, वोट बैंक इन लोगों के पास है। कांग्रेस तब भी कुछ तो किया भाई, ताला कांग्रेस ने तोड़वाया और केंद्र नरसिंह राव बैठ करके आपके सहायता के, वो तो आपने तो वो भी नहीं किया, आप तो भी नहीं कर रहे हैं। आप कल घोषणा कर दो कि हम लोग जो है अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश ना पास हो उसमें से कोई मतलब नहीं है, आप अध्यादेश ला करके लोकसभा में प्रस्तावित कर दीजिए, हम अध्यादेश लाए, अध्यादेश पास नहीं हुआ तो भाजपा के लिए हम कर पाते जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो हमारा उपयोग कर रहे हो। तो राम मंदिर को लेकर के ये थी अयोध्या के साधु संतों की खास राय, कुरेद कुरेद करके जो हमने खूब इनसे सवाल किए और इन्होंने भी जो है बेबाकी से अपनी जो है राय रखी। आप भी रखिए अपनी बेबाकी से राय और आप बताइए कि राम मंदिर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, फैजाबाद को जो है बदल करके अब अयोध्या कर दिया गया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय से जो है अवगत ज़रूर कराएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।